फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो आप सभी को याद होगा कल की अपनी एनालिसिस, ठीक है, हमने बात किया था अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन इन दोनों कैंडल का हाई जैसे जिस तरीके से दिख रहा है एंड ऊपर का जो लेवल था अपना 1646 तक का लेवल था, ठीक है, लेकिन इस कैंडल का हाई यहाँ पे आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम किया। 1640 का पहला लेवल था, दूसरा 1645 के आसपास का लेवल था, ठीक है। तो 1640 के लेवल से हम लोग को थोड़ा रिएक्शन देखने को मिला और ये इसके आसपास ही क्लोजिंग कर दिया। बहुत बड़ा मोमेंटम अगेन देखने को नहीं मिला है, अगर आप पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है, राइट। तो ये चीज़ ऑलवेज, अगर आप टेक्निकल थोड़ा जानते होंगे तो ये चीज़ हमेशा एक्सपेक्टेड होता है। ये चीज़ जब भी बनता है तो हमें पता चलता है कि हाँ टेक्निकल्स यहाँ पे हमारे सही से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे हमने प्लानिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो अगर ऊपर से ये जब नीचे गिरा है तो अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि 4-5 दिन ये थे और 2-3 दिन ये अभी साइडवेज गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा मोमेंटम के बाद अगर आप देखे होंगे तो बहुत से कैंडल में अगर ऊपर है तो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना के ये ऊपर वाले पोजिशन को होल्ड करता है, अगर नीचे है तो अगर यहाँ पे और नीचे नहीं जाना है तो क्या करेगा कि ये बहुत ज़्यादा, देखिए जहाँ तक गिरना है गिरता है शेयर, उसके बाद जब नहीं उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है कोई भी सपोर्ट हिट करता है यहाँ पे, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, फिर थोड़ा वोलाटाइल होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे डब्लू टाइप पैटर्न बना के एक बार फेल होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर जाके ये 1 डायरेक्शनल मूव पकड़ता है, राइट। तो यहाँ पे यही सिनारियो, यही वाला यहाँ पे सिचुएशन इसमें HDFC बैंक में अभी हमारे लिए रनिंग चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका ब्रॉडर यहाँ पे देखेंगे व्यू तब हम लोग को अच्छे से ये क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था, अभी यहाँ पे जो इसका फॉलो अप कैंडल बना है, ठीक है, बहुत बड़ा फॉलो अप कैंडल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे एनालाइज किया था कि ये ब्रेकआउट लेवल है तो यहाँ से अगर डाउन आता है तो इतना बड़ा कैंडल बनेगा, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक वीक में बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। तो जैसे ये कोई सपोर्ट पॉइंट हिट करेगा यहाँ पे ये हॉल्ट कैंडल बनाने लगेगा, ठीक है, तो उसी तरीके का हॉल्ट कैंडल बना है। अभी नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एक 1685 का लेवल है और नीचे 1600 के आसपास का लेवल है, ठीक है, क्योंकि 2 वीक अच्छा खासा फॉल हो चुका है तो और अगेन फॉल की यहाँ पे जो भी प्रोबेबिलिटी है वो कम नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे और इसके ऊपर जाके यहाँ पे वोलाटाइल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है 1680 से लेके 1560 इसी के बीच में कहीं ना कहीं फिर से हमें एक कैंडल देखने को मिले, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे एंड लास्ट लास्ट में फिर से इसी के बीच में क्लोजिंग दे दे। तो इस तरह की सिचुएशन की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम लोग करके चल सकते हैं क्योंकि इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। क्यों, इसके पीछे का 2 रीज़न मैंने आपको बता दिया, चूंकि एक तो ये रेंज बाउंड हो चुका है, ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल हो गया तो फॉल होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, सेकंड इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा प्राइस पैसा बना के दिया बायर्स को, ठीक है, और उसके बाद फॉल हुआ है तो फॉल होने के बाद यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे समय चाहिए लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, एंड जब ये फिर से यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा टाइम रुक जाएगा लोगों को दिखेगा कि बहुत ज्यादा हॉल्ट कर चुका है तो यहाँ पे जब ये रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो लोग यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगे और इसको तेजी से मूव करेंगे, राइट। तो इस तरीके के यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। तो इस तरीके से ये 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसे तो यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लुढ़कता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब ये कितना फॉल होगा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फॉल हो चुका है, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से इसको बाउंस बैक लेना था। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1550 के आसपास ही आगे आने की कोशिश करेगा। 15 पॉइंट अगर ये यहाँ पे 1600 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे मतलब 1550 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आके क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट मंथ के लास्ट में ये किस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दिया और किस तरीके से हम लोग आगे इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे फिर से डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देख के अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न निकालने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आज का रेजिस्टेंस था 1640 एंड इसके ऊपर का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वो है 1648 के आसपास, ठीक है। नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे 1600 के आसपास है और अभी अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आने वाला 1 दिन 2 दिन और इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कैंडल है, अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा फिर नीचे आने की कोशिश करेगा एंड एक दो बार में जब जाके इसको 2-3 बार ऑलरेडी 1 आवर टाइम फ्रेम पे हिट कर चुका होगा तब यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा एंड जब इस जोन से ये ऊपर क्यों निकलेगा तब जाके हम लोग को ये लगभग 1678, ठीक है, 1678 वाला एक लेवल, ये वाला लेवल हम लोग को फिर ये दिखाएगा एंड फिर यहाँ से फिर प्राइस एक्शन
रिजेक्शन पैटर्न दूसरा बनना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये ऊपर की बात हुई, नीचे की ओर देखेंगे, अगर ये नीचे की ओर 1600 के आसपास आता है, ठीक है, 1600 नीचे के आसपास आता है, तो फिर से यहाँ से ये पहली बार में इसको ब्रेक नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम ही हो गया, सेकेंड टाइम फिर से आएगा, फिर से यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब सेकेंड या थर्ड टाइम इसके पास आके ब्रेक करेगा तब हम लोग नीचे के लेवल देखेंगे, है ना। ऐसे सिनारियों में पहला जो हमें नीचे के लिए और नीचे की ओर का लेवल होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए लगभग लगभग यहाँ पे 1600 1580 का, एंड दूसरा जो यहाँ पे लेवल होना चाहिए वो 1666 के आसपास का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेली टाइम फ्रेम पर इतना प्राइस एक्शन पैटर्न बना के हम लोग चलते हैं, बाद आगे की जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, हम लोग उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मंडे को ये हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, अगर इसको देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इन लेवल्स को आज आके इसने एक बार भी हिट नहीं किया है, लेकिन ऊपर वाले लेवल्स के आसपास इसने जाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ऊपर गया भी नहीं ज्यादा। तो ये एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके के चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर ये ऊपर की मंडे को मार्केट ओपन होकर ये सीधे नीचे की ओर निकलता है, तो याद रखेंगे 1600 613 का एक लेवल है जहां से ये बाउंस बैक देगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर ये इसको फिर से ब्रेक डाउन करता है तो 1607 के लेवल से फिर से बाइंग आ सकती है, और ये इसको फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास 1630 35 के आसपास लेके आ सकती है। तो अगर यहाँ पे नीचे आना, मार्केट ओपन होते ही नीचे आना स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, और यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है तो याद रखेंगे यहाँ पे बहुत फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम आज यहाँ पे इसके आसपास टाइम भी स्पेंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ब्रेक करके निकलता है तो हमें ऊपर के लेवल्स जैसे कि यहाँ पे 1646 एंड उसके बाद 1652 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने डेली टाइम फ्रेम के लेवल को डिस्कस किए हैं, ये छोटे छोटे लेवल्स यहाँ पर अगर हिट करते हैं तो उसी तरीके से ये जो हमारे ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है, उस तरीके से उन लेवल को ये धीरे धीरे फॉलो करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।